नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से हम लोग इस समय मिलकर के कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, मैं पूरी आशा रखता हूं कि जल्दी ही संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस पर नियंत्रण स्थापित करेगा और हम सब स्वस्थ रह करके इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास रूल्स 2020 पर एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि ये रूल्स क्या हैं। बेसिकली सर, बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, मैं एक यहाँ पर रिक्वेस्ट भी इस वीडियो के थ्रू भारत सरकार से करना चाहता हूँ कि क्योंकि वर्तमान समय बहुत कठिन हो गया है और इकोनॉमिक परिस्थितियाँ भी इसकी वजह से टफ हैं, तो मेरी ऐसी आशा है, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि विवाद से विश्वास स्कीम की जो पहली कट ऑफ डेट है 31 मार्च 2020, भारत सरकार को निश्चित रूप से इस स्थिति को बढ़ाने पर विचार सकारात्मक रूप से करना चाहिए ताकि जो लोग इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो इस वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक संकट की वजह से टैक्स भुगतान करने में सक्षम होंगे, ऐसा डाउटफुल लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर कि ये डेट भी बढ़ेगी। हालांकि यद्यपि डेट बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, परंतु फिर भी जो प्रोसीजर इस स्कीम के प्रति आया है वो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सर, कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं यहां पर। ये की पॉइंट्स क्या हैं कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास रूल्स 2020 18 मार्च 2020 से जारी कर दिए। टोटल 11 रूल्स इस सेट ऑफ रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं और साथ ही साथ 5 महत्वपूर्ण फॉर्म्स हैं जो सरकार ने प्रिस्क्राइब किए स्कीम के अंतर्गत, और हमें इन फॉर्म्स को और उनकी यूटिलिटी को वन बाय वन समझना है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बोला कि कुछ फॉर्म्स सरकार लेकर के आई है विवाद से विश्वास स्कीम का, ये विवाद से विश्वास स्कीम से रिलेटेड फॉर्म्स क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देर आर 5 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, 4 एंड 5। फॉर्म 1 कौन फाइल करेगा साहब? असेसी फाइल करेगा। जैसा कि मैंने पहले विवाद से विश्वास पर एक वीडियो बनाई और उसके थ्रू आपके साथ विवाद से विश्वास स्कीम की जो अमेंडेड प्रारूप है उस पर आपके साथ डिस्कशन किया, उसी के रिलेशन में यहां पर प्रोसीजर फॉर्मेट पर आपसे डिस्कस करना जा रहा हूं कि फॉर्म 1 फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसे भरने से पहले आपको ये तय करना है कि क्या मैं एलिजिबल डिक्लेरेंट बन सकता हूं। यदि मैं एलिजिबल डिक्लेरेंट बन सकता हूं तो मुझे अब वो डिक्लेरेशन फाइल करना है और वो डिक्लेरेशन इस फॉर्म नंबर 1 में किया जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म नंबर 1 में एक डिक्लेरेशन देंगे, साथ ही साथ सर आपको फॉर्म नंबर 2 में एक अंडरटेकिंग फॉर वेवर ऑफ राइट्स और रेमेडीज भी फिलअप करके गवर्नमेंट को देना है कि अच्छा, क्योंकि अब मैं विवाद से विश्वास स्कीम में बेनिफिशरी होने जा रहा हूं तो अब मैं किसी प्रकार के राइट्स रेमेडीज अपने जो भी इनकम टैक्स में मुझे मिल सकते हैं उनका त्याग कर रहा हूं। यदि आप फॉर्म 1-2 ड्यूली वेरीफाई कर देंगे, फाइल कर देंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर अब फॉर्म 3 इशू करेगा जिसको कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बोला गया है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा डिक्लेरेशन अथॉरिटी द्वारा। वो डिक्लेरेंट अथॉरिटी जो कि सीआईटी रैंक से कम लेचे का अधिकारी नहीं होगा, वो आपको एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशू करेंगे। और यदि आपने फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट आपको इशू हो गया, अब आपका अगला काम क्या है कि साहब आप पेमेंट करिए जो आपने माना है, इंटीमेशन ऑफ पेमेंट बाय द असेसी, और वो पेमेंट करके आप सरकार को फॉर्म 4 में प्रिस्क्राइब कर दीजिए कि हाँ साहब, मैंने रिस्पेक्टिव पेमेंट जो विवाद से विश्वास स्कीम में मेरा बनता है उसका भुगतान मैंने कर दिया है। और फाइनली जब आपका ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो गया, आपने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, इससे पहले आपको एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट डिक्लेरेंट अथॉरिटी ने इशू कर दिया डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने, तो आपको एक ऑर्डर फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फॉर्म नंबर 5 में इशू हो जाएगा। जो रिलेवेंट रूल्स हैं सर डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम जो इन फॉर्म्स के संदर्भ में लागू हैं, मैंने वो भी यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए हैं ताकि यदि आपको कहीं वास्तविक संदर्भ उन रूल से लेना हो तो आप इन रूल्स का, इन पार्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सर यहाँ पर, क्या वेदर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज अ मस्ट, कि ये जो विवाद से विश्वास स्कीम में हमें डिक्लेरेशन फाइल करना है, क्या ये डिक्लेरेशन हमें ऑनलाइन ही फाइल करना है या हमें फिजिकली फाइल करना है। तो यदि आप रूल्स का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और मैंने स्पेसिफिकली सर यहाँ पर रूल 6 का रेफरेंस लिया है जो विवाद से विश्वास रूल्स 2020 में मेंशन किया गया है, द फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2
referred to in rule 3 and form number 4 referred to in rule 5 shall be, very important sir, shall be furnished electronically under digital signature if the return of income is required to be furnished under digital signature or in other cases through electronic verification code. तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया सर विवाद से विश्वास रूल्स 2020 में, क्या आपको जो फॉर्म नंबर 1 एंड 2 फाइल करना है और सब्सिक्वेंटली फॉर्म नंबर 4 फाइल करना है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है। एक और बात सर, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल करना है, ये कौन सी बात हुई, क्योंकि हर व्यक्ति अपना डिजिटल सिग्नेचर होल्ड नहीं करता है। तो यहां पर स्पष्ट ये किया गया है सर कि ऐसे असेसीज जिनको के रिटर्न डिजिटली फाइल करनी है यानी डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करनी है, उनका तो जो भी डिक्लेरेशन है वो डिजिटल सिग्नेचर से फाइल होगा और बाकी के असेसीज को ई वेरिफिकेशन के थ्रू, जो आधार ओटीपी की प्रोसेस भी हो सकती है, और मैंने जब वास्तविक रूप से जाकर देखा तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ वेरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू आधार ओटीपी। तो आप डिजिटल सिग्नेचर से यदि रिटर्न भरने के लिए लायबल है, कब, जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है, तो वहां पर तो सर आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इन फॉर्म्स को अपलोड करना है, और यदि डिजिटल सिग्नेचर आपके केस में एज एन एसएससी मस्ट नहीं है तो आप ई वेरिफिकेशन के थ्रू भी अपने डिक्लेरेशन को, फॉर्म 1 को, फॉर्म 2 को और बाद में फॉर्म 4 को फाइल कर सकते हैं। यहां सर मैं आपके साथ में अब प्रोसीजर पर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि मान लीजिए आप ऑनलाइन लॉगिन कर गए, आपने अपना पैन पासवर्ड यूज किया और इनकम टैक्स लॉगिन होकर के आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट है उस पर लॉगिन खुल गया। इस लॉगिन में सबसे राइट हैंड कॉर्नर पर सर आपको एक नया टैब ऑप्शन मिला है विवाद से विश्वास, और इसकी तीन यूटिलिटीज आई है, यहाँ पर तीन ऑप्शन आए हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास फॉर्म्स, व्यू डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास फॉर्म एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है सर, आप डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास पर सीबीडीटी ने जो एफएक्यूज जारी किए हैं उन्हें पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास रूल्स पढ़ना चाहते हैं, वो भी आपको रिसोर्सेज के रूप में यहीं ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको सर लॉगिन करना है, ऑफिशियल लॉगिन आपके करने के बाद में आपको राइट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर विवाद से विश्वास ऑप्शन मिलेगा, टैब मिलेगा, इस टैब में आपको मोस्ट प्रोबेबली जहां से शुरुआत करनी है वो करनी है प्रिपेयर एंड सबमिट डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास फॉर्म। अब आपने ऑनलाइन फिलिंग का ऑप्शन तय कर लिया, विवाद से विश्वास फॉर्म नंबर 1 एंड 2 की यूटिलिटी खुल जाएगी, यहां आपको अपना सर पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर आपको पिक करना है, असेसमेंट ईयर कैसे पिक करना है सर, कौन सा ईयर ऐसा है जिसमें आपकी अपील या डीम्ड अपील का केस है, जैसा मैंने मेरी पिछली वीडियो में डिस्कशन किया, आप रिलेवेंट असेसमेंट ईयर को पिक करिए और यहां पर आप फाइलिंग के टाइप को जो कि गिवन ऑप्शंस है उनमें से सेलेक्ट करिए एंड देन यू विल नेचुरली प्रेस कंटिन्यू एंड देन इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट विंडो। ये विंडो सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको फॉर्म नंबर 1 फिलअप करना है, और फॉर्म नंबर 1 में देखिएगा सर आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, फिर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी डी ई एंड एफ और उनकी रेस्पेक्टिव शेड्यूल, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी और वेरिफिकेशन। जब आप ये सारी जानकारी यहां पर फिलअप कर देंगे तो आपका फॉर्म 1 फिलअप हुआ माना जाएगा, और साथ ही साथ सर आपको एक फॉर्म 2 भी फिलअप करना है, जैसा मैंने पहले बोला कि यू विल नॉट क्लेम एनी फर्दर रेमेडी अगेंस्ट द मैटर फॉर विच यू आर गोइंग इनटू विवाद से विश्वास, तो ये भी आपको फॉर्म 2 फिलअप करना है। और जो सबसे मुख्य इसमें पोर्शन है सर वो ये पोर्शन है कि आपको पार्ट ए बी सी डी ई एफ जो फॉर्म के हिस्से हैं इन्हें फिलअप करना है, और रिस्पेक्टिव शेड्यूल में आपको अपने आप फिलिंग करने के लिए ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे, और ये बड़ा मेरे हिसाब से इजी प्रोसेस है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, लेकिन आपको आगे भी कैसे फिलअप करना है वो मैं बताने का कोशिश करता हूं। तो अब देखिए सर, जब आपने फॉर्म 1 में पार्ट ए सेलेक्ट किया तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, पैन, टैन की इंफॉर्मेशन, आधार नंबर आपका, फर्स्ट नेम ऑफ द अपीलेंट, मिडिल नेम ऑफ द अपीलेंट, लास्ट नेम ऑफ द अपीलेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब डेटा सर आपके प्रोफाइल से अपने आप यहां पर पिक करने वाला है। ये दो चीजें जो नीचे ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, वेदर द एप्लीकेंट इज अपीलेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 ऑफ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास
एंड इज नॉट इन एलिजिबल टू अप्लाई, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में, आपको येस और नो भरना है। नेचुरली आप जब इस स्कीम में जा रहे हैं आपने अपने कंसल्टेंट से अपनी नॉलेज के आधार पर चेक किया है कि येस माई केस इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, तो यहाँ पर आपको येस चूज करना है। यदि आप नो चूज करेंगे तो नेचुरली वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अदर ऑप्शन, वेदर ऑप्टिंग टू पे टैक्स ऑन द रिडक्शन ऑफ लॉसेज और डेप्रिशिएशन और मैट क्रेडिट, इफ येस गो टू द रिलेवेंट शेड्यूल अंडर ए, इफ नो फिल अप शेड्यूल टी। तो ये कह रहा है सर आपको, देखिए इन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम में, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि दो ऑप्शन पर दिए गए हैं, यदि आपके पास में लॉस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन है या मैट क्रेडिट का मामला है, कि आप उन दोनों में से क्या ऑप्शन ले रहे हैं। आप रिलेवेंट लॉस को क्लेम करना चाहते हैं, मैट क्रेडिट को क्लेम करना चाहते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन को क्लेम करना चाहते हैं जो डिस्प्यूटेड है, यदि हाँ तो आपको क्या करना है सर उस परिस्थिति में, उस रिस्पेक्टिव अमाउंट का टैक्स पे करिए, कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट ले लीजिए, या आप अपना राइट वेव कर दीजिए एंड फिर उस परिस्थिति में आपको कुछ पेमेंट नहीं करना। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन देना है कि रिलेवेंट ऑप्शन आप क्या फिलअप करना चाहते हैं, कि क्या आप बेनिफिट लेना चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड का या बेनिफिट छोड़ना चाहते हैं। यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड का तो टैक्स पे करके जाना है, और यदि आप वेवर करना चाहते हैं अपने राइट का तो ऐसी परिस्थिति में आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना। अब यहां पर देखिए सर, आपको पार्ट बी फिलअप करना है। पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट आपसे, जो भी सरकार पूछ रही है कि साहब आपकी अपील है, कौन से लेवल पर आपकी अपील पेंडिंग है, और क्या ये इंटरेस्ट का मैटर है, पेनल्टी का मैटर है, टैक्स का मैटर है, ये सारी इंफॉर्मेशन बड़े ध्यान से सर आपको ये पार्ट बी भरना है। सीरियल नंबर, फिर आप नेचर ऑफ टैक्स एरियर सर सेलेक्ट करेंगे कि मैं टैक्स से रिलेटेड मामले में जा रहा हूँ, इंटरेस्ट में जा रहा हूँ, पेनल्टी में जा रहा हूँ, फाइन में जा रहा हूँ। आपका असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, सेक्शन अंडर विद ऑर्डर पास्ट, ठीक है कौन से सेक्शन में ऑर्डर पास किया है, 147 का ऑर्डर हो सकता है या ये 143(3) का ऑर्डर हो सकता है, 147 का ऑर्डर हो सकता है। रेड विद सेक्शन टर्मोलॉजी क्यों आई है सर, क्योंकि 147 या 153A में जो ऑर्डर होते हैं सर्च के या इनकम एस्केप्ड असेसमेंट के, उनमें एक रेफरेंस आता है रेड विद सेक्शन 143(3), रेड विद सेक्शन 144, तो वो भी यहाँ पर आपको सेक्शन करना है। इसके लिए आपको चिंता कुछ नहीं करनी सर, आपको रिलेवेंट ऑर्डर का टैक्स देखना है जो आपके हाथ में उपलब्ध है, उसमें आपको लिखा मिलेगा ऑर्डर अंडर सेक्शन, वही चीज आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जब आप यहाँ टैब दबाएंगे इस पर्टिकुलर जगह, तो आपको वो यहाँ पर फिलअप करना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेट फोरम हु पास द ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आप ईओ के ऑर्डर के विरुद्ध जा रहे हैं तो आपको ईओ यूज करना है, सीआईटी के ऑर्डर के विरुद्ध है तो आपको सीआईटी यूज करना है, तो यहाँ पर आपको रिलेवेंट अथॉरिटी को पिक करना है। तो इस प्रकार से सर आगे और भी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पार्ट बी में मांगी गई है, और ये यूजर फ्रेंडली टैब्स ऑप्शंस हैं। यदि आपको फिर भी किसी विषय पर कोई इशू हो तो आप मेरे से स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यहां देखिए दोस्तों, पार्ट सी डी ई एंड एफ, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स एरियर। टैक्स एरियर एज पर द शेड्यूल ये अपने आप फिलअप कर लेगा सर। अमाउंट पेएबल अंडर डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास इफ पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, जो आपने शेड्यूल में अमाउंट्स फिलअप किए उसके बेसिस पर सर ये पिक करेगा। अभी के लिए यहाँ पर डेट 31 मार्च 2020 ही दिख रही है, अगर मेरी रिक्वेस्ट से, आपकी रिक्वेस्ट से भारत सरकार इस डेट को बढ़ाती है तो हो सकता है यहाँ पर आपको नई डेट भविष्य में देखने को मिले। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 31 मार्च के हिसाब से तैयारी ना करें, आप अपनी तैयारी 31 मार्च 2020 के हिसाब से ही रख के चलें। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट अगेंस्ट टैक्स एरियर, वेदर द डिक्लेरेंट हैज मेड एनी पेमेंट अगेंस्ट द टैक्स एरियर बिफोर फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, क्या आपने डिक्लेरेशन से पहले ही टैक्स का कोई भुगतान कर दिया है, यदि हाँ तो आपको येस क्लिक करना है सर। और यहाँ पर रिलेवेंट जितने चालान से आपने पेमेंट किया है, हर चालान का आपको यहाँ पर डिटेल, BSR कोड, आपको डेट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ चालान, सीरियल नंबर ऑफ द चालान एंड अमाउंट फिलअप करते जाना है। जितने चालान है सर आप एड टर्मोलॉजी को यूज करते जाइए, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करिए, आपको अलग अलग चालान भरने के लिए फिलअप्स देता जाएगा। अनकॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर आपको टोटल पेमेंट अगेंस्ट टैक्स एरियर एंड रिफंड अगेंस्ट टैक्स एरियर, अगर आपका कोई रिफंड एडजस्ट कर लिया डिपार्टमेंट ने, जो पहले किसी ईयर की लाइबिलिटी जहाँ ड्यू खड़ी है और किसी ईयर में आपने रिफंड क्लेम करना था पर उन्होंने रिफंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पर सर आप वो अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। और फाइनली जो नेट अमाउंट आपकी ओपिनियन में पेएबल या रिफंडेबल होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा।
अब सर सिंपल वेरिफिकेशन के हिस्से पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ आपका नाम ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ पर आपके पेरेंटल डिटेल्स क्रिएट हो जाएंगी और फिर आपको डिक्लेरेशन में चूज करना है कि मैं स्वयं की कैपेसिटी में, पार्टनर की कैपेसिटी में, डायरेक्टर की कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं, जैसे कंपनीज के केस में या फर्म के केसेस में, अदर देन कंपनी यानी एक डायरेक्टर या फर्म के केस में पार्टनर यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप करेगा, आपका आधार नंबर, आपका प्लेस, आपका डेट, ये चीजें फिलअप होकर के आप वेरिफिकेशन पर आगे बढ़ेंगे। फाइनली सर आपको फॉर्म 2 फिलअप करना है, ये भी ऑनलाइन फिलअप होगा, इसमें कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं है, डिटेल्स सेल्फ फिल्ड आएंगे आपको, ठीक है। और आपको केवल क्या डिक्लेरेशन सरकार मांग रही है, आई सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो हैविंग पैन सो एंड सो आधार नंबर सो एंड सो हैविंग डिसाइडेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास है डू हेयर बाय वॉलेंटरली वेव वेव दिस इज इंपॉर्टेंट सर वेव बिकॉज दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द विवाद से विश्वास एक्ट 2020 वेव माई राइट्स वट एवर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू सीक और परस्यू एनी रेमेडी और क्लेम इन रिलेशन टू टैक्स एरियर विच में अदरवाइज भी अवेलेबल टू मी अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इन इक्विटी बाय स्टेच्यू और अंडर एग्रीमेंट एंटर इन टू बाय द इंडिया बाई इंडिया और एनी अदर कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया वेदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और अदरवाइज। फाइनली आप अपना प्लेस फिलअप करिए और आपका फॉर्म 2 भी फिल्ड है। ये सब करने के बाद में सर आपको फाइनली सबमिट के ऊपर जाना है। सबमिट जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन जो आपको ओटीपी उन्होंने देना है या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपसे सबमिट कराना है वो प्रोसेस कंप्लीट करके आपकी ओर से फॉर्म 1 और 2 फिलअप हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट कि आपने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया प्रिपेयर एंड सबमिट डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास फॉर्म की यूटिलिटी में, तो यदि आप इस ऑप्शन पर जाएंगे व्यू डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास फॉर्म, तो यहाँ पर आपको सर आपके पैन नंबर के साथ में आपने किस असेसमेंट ईयर पर फाइलिंग किया और उसका फाइलिंग का टाइप ओरिजिनल है या रिवाइज, रिसीट नंबर और आपका मैटर किधर पेंडिंग है, ये ऑप्शन यहाँ पर दिखा देगा। ये सर यहाँ पर फॉर्म 3 है। फॉर्म 3 आपको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो कि सीआईटी रैंक का अधिकारी होगा वहां से इशू होगा। इसका टाइटल है फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। यहां पर वो सर्टिफिकेट जो सीआईटी आपको दे रहे हैं क्या है, आपके डिक्लेरेशन के बाद एक सर्टिफिकेट कि यस वी हैव एक्सेप्टेड योर डिक्लेरेशन वेयर एज मिस्टर मिसेस सो एंड सो मैसर सो एंड सो हैविंग पैन नंबर आधार नंबर सो एंड सो has filed a declaration under section 4 of the Direct Tax Vivad Se Vishwas Act. Now, therefore, in exercise of the power conferred in subsection 1 of section 5 and after consideration of relevant material, the following amount are hereby determined. So, sir, ye important hai ke is particular form ke through CIT aapko confirmation de rahe hain. Kis cheez ki? Ke aapka assessment year kaun sa hai? Aapka details of dispute settled kya kya hai? Nature of tax arrear kya hai? Tax ka, interest ka, penalty ka, fees ka? टैक्स एरियर कितने हैं, अमाउंट पेएबल फाइनली कितना है, अमाउंट ऑलरेडी पेड कितना है और बैलेंस अमाउंट पेएबल या रिफंडेबल कितना है। और देखिए सर आप ध्यान से, ये नीचे कह रहा है आपको द डिक्लेरेंट इज हेयर बाय डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ द सम पेएबल इफ एनी एज पर कॉलम 7 ऑफ द अबव विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस सर्टिफिकेट। तो आपको 30 दिन का समय सरकार दे रही है जिसके अंतर्गत आपको ये पेमेंट करना है और यदि आप ये पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म 1 वॉइड डिक्लेयर मान लिया जाएगा। तो ये फॉर्म 3 का आपका प्रारूप है। अज्यूमिंग दैट दोस्तों कि आपने फॉर्म 1 और 2 फिलअप किया, डिक्लेरेशन करने के बाद में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने आपको एक फॉर्म 3 इशू कर दिया और आपने विद इन 30 डेज रिस्पेक्टिव अमाउंट का पेमेंट कर दिया, तो अब आपको इंटीमेशन करना है, इंटीमेशन ऑफ पेमेंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या सर और मैडम, आई पर्सुएंट टू द सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन फॉर्म 3 वाइड सर्टिफिकेट नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो इन रिस्पेक्ट ऑफ सो एंड सो पैन फॉर द असेसमेंट ईयर सो एंड सो एंड द डिटेल्स ऑफ पेमेंट आर एज अंडर। यहाँ आपको अपना BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का सीरियल नंबर और अमाउंट फिलअप कर देनी है और लिख देना है द अपील, ऑब्जेक्शन, एप्लीकेशन, रिट पिटीशन, SLP, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन और क्लेम हैव बीन विड्रॉन।
सो यहाँ आपको प्रूफ ऑफ विड्रॉल भी देना है सर। ये प्रूफ ऑफ विड्रॉल वहाँ महत्वपूर्ण है जहाँ कोई SLP, रिट पिटीशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन से रिलेटेड मैटर हैं। CIT अपील और ITAT में मैटर ऑटोमेटिकली विड्रॉन यहाँ पर होंगे। तो ये फॉर्म 4 किसको भरना है सर? SSC को फिलअप करना है। आपके फॉर्म 4 भरे जाने के बाद आपको फॉर्म 5 सरकार इशू करेगी, ऑर्डर फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ टैक्स एरियर अंडर सेक्शन 5(2) रेड विद सेक्शन 6 ऑफ द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट। वेयर एज मिस्टर सो एंड सो, दिस इज हेयर पैन नंबर सो एंड सो ऑफ has made a declaration under section 4 of the act, and whereas designated authority by certificate number so and so determine the amount of rupees so and so payable or refundable to the declarant in accordance with the provision of the act and granted a certificate setting forth therein the particulars of the tax arrear and the amount payable refundable after such determination towards full and final settlement of the tax arrear. Now therefore in exercise of the power it is hereby certified that a sum of rupees so and so has been paid, a sum of rupees so and so has been paid by the declarant towards full and final settlement of tax area determined in order number so and so, and the immunity is granted. Ye bahut important hai sir, isi ke liye hum aaye the. The immunity is granted subject to provisions contained in the act for instituting any proceeding or prosecution for any offence under income tax from the imposition of penalty under the sect enactment in respect of tax area as detailed in the table below. तो सर जब आपको फॉर्म 5 इशू हो जाए तो आप समझिए कि आपका जो डिक्लेरेशन है वो फाइनली आपका यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उसी फॉर्म 5 का कुछ हिस्सा है सर, यहाँ असेसमेंट ईयर, डिटेल्स ऑफ डिस्प्यूट सेटल, नेचर ऑफ टैक्स एरियर एंड अमाउंट ऑफ टैक्स एरियर, और फाइनली इट इज हेयर बाय clarified making a declaration under this act shall not amount to conceding the tax position and shall not be lawful for the income tax authority. बहुत महत्वपूर्ण है सर, सरकार अपने ही सर्टिफिकेट लिख करके दे रही है कि इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर इनकम टैक्स अथॉरिटी और डिक्लेरेंट बींग अ पार्टी इन द अपील और रिट पिटीशन और SLP टू कंटेंड दैट द डिक्लेरेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी एज द केस में बी हैज एक्विज्ड इन द डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूटेड इशू बाय सेटलिंग द डिस्प्यूट। यानी आपके किसी और ईयर पर इस डिक्लेरेशन का, इसकी एक्सेप्टेंस का कोई डिफरेंस, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरी यही शुभेच्छा थी, है और रहेगी कि हम सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस का जो ये अटैक है वो जल्दी ही समाप्त हो और भारतवर्ष वरन संपूर्ण विश्व इस बीमारी को हरा करके और एक विजेता के रूप में खड़ा हो। यदि विवाद से विश्वास के संदर्भ में आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जो भी उन पर एक उपयुक्त जवाब हो सका देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।